सरकार आखिरकार एनडीए की बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर चढ़ते हैं, हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन उनकी ओर से किया जा रहा है और साथ ही देखिए अभिवादन उनका लगातार जारी है। जिन जिन के साथ उनका यहां पर संपर्क हो रहा है, हाथ जोड़कर अभिवादन यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। कार्यवाहक पीएम के तौर पर अभी जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बाद पीएम पद के तौर पर शपथ जब नरेंद्र मोदी यहां पर लेंगे तो नजारा किस तरीके से होगा। और सबसे खास बात यह रहती है, देखिए रिकॉर्ड यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम रहते हुए 2019 की अगर बात करें, 14 की अगर बात करें, थोड़ा इस बार जो स्थिति है थोड़ी अलग जरूर देखी जा रही है। यहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के सामने परिस्थितियां कुछ भिन्न दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आपके सामने है, भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए हैं उन्हें भी चुन चुनकर बुलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, राष्ट्रपति को भी आप देख सकते हैं। अब देखिए काफी खास ये पूरा आज का जो कार्यक्रम है वो यहां पर रहने वाला है और ये अपने आप में खास इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कोई गैर कांग्रेसी नेता यहां पर पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेगा। भारत के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा दीपशिखा आपने कि ये पहली बार होगा जब तीसरी बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। जवाहरलाल नेहरू जो कि लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बने, अब उनके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और यही जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जो कि पहुंचे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जो जगदीप धनखड़ जो कि कार्यक्रम में पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अब वो भी मेहमानों की कतार में बैठ रहे हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और बता दें कि जो पूरी कैबिनेट है यानी कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो रहा है, कौन कौन से चेहरे हैं, तमाम अटकलें चल रही हैं पिछले दो तीन दिन से कि आखिर किस किस को जगह मिलने वाली है इस बार कैबिनेट में। बताया जा रहा है कि लगभग 65 की संख्या में मंत्री हैं जो कि शपथ लेंगे। तो कौन कौन इस कैबिनेट में शामिल होगा ये तस्वीर अब से कुछ ही क्षणों में साफ हो जाएगी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल जो टीवी स्क्रीन पर, तमाम मेहमान यहां पर मौजूद हैं और लगभग 8,000 की संख्या में गेस्ट बुलाए गए हैं शपथ समारोह में शामिल होने के लिए। और जो मंच पर बैठे हैं ये सभी दिग्गज, ये वो दिग्गज हैं जो कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जीत कर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और चेहरे पर थोड़ी सी गंभीरता लिए और जाहिर है कि एक बड़ी खुशी का ये क्षण है प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्योंकि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद वो इंतजार खत्म हो जाएगा जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ यहां पर लेंगे। राष्ट्रपति भवन को आप देख सकते हैं किस तरीके से सुशोभित यहां पर हो रहा है, भारी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और हमेशा ही देखा गया एनडीए की ओर से जब भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में एक संदेश नैतिकता के साथ सामाजिक तौर पर भी देने का काम किया जाता है। जहां पर पड़ोसी मुल्कों के नेताओं को न्योता दिया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में, वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के कुछ ऐसे तबकों की बात करें जिनके बिना एक संपूर्ण भारत अधूरा नजर आता है उन्हें भी इस शपथ